आप सारे कर लेते हो तो आपको आज के क्वेश्चन इन फ्रॉइंट ऑफ व्यू ये कह रहा है की कंसिडर द्रेम एंड आंसर द क्वेश्चन आपके पास नेम गि ग्रेड गिवन है अब राइट डाउन द कमांड दैट विल गिव फॉलोइंग आउटपुट सो so, ये जो डेटा फ्रेम है इसमें से अमित सिंह शो हो रहा है सुरेश शो हो रहा है रमेश शो हो रहा है सो आई कैन क्लियरली सी कि ये मेरे पहले तीन रिकॉर्ड्स हैं राइट right? सो so, आप यहाँ डेटा फ्रेम में देख सकते हैं कि ये पहले तीन रिकॉर्ड्स हैं अब आपसे पूछा है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट मुझे ये रिजल्ट देगी सो विच स्टेटमेंट विल गिव यू दी रिजल्ट तो सबसे पहली चीज आपको यहाँ पर देखनी है कि जो पोजिशन दी हुई है वो यूजर डिफाइंड इंडेक्स है या वो पोजिशनल इंडेक्स है तो सबसे पहले हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो इंडेक्स है वो इंटेजर इंडेक्स है दैट दे आर इंडेक्स और आपको ये पता होना चाहिए कि पोजिशनल इंडेक्स के साथ आई लॉक यूज होता है लॉक यूज नहीं होता है तो लॉक वाली ऑप्शन तो आपकी कैंसिल हो गई बी और डी तो हो ही नहीं सकती बचा ए और सी ए और सी में से कौन सा आंसर सही होगा वो आपको बताना है तो वैसे देखा जाए तो इसमें से सही कोई भी नहीं है इसका सही आंसर होना चाहिए था जीरो क्यों क्योंकि आपके पास जो फर्स्ट नेम है वो इंडेक्स जीरो पे होगा ये वन पे होगा और ये टू पे होगा ठीक है और जब हम आई लॉक देते हैं अपर इंडेक्स इंक्लूडेड नहीं होता तो अगर मैं यहाँ पे वन कोलन थ्री लिखूंगी जैसे ये है आई लॉक वन कोलन थ्री तो ये मुझे शो करेगा सिर्फ वन और टू इंडेक्स वन और टू इंडेक्स जब वो शो करेगा तो वो आपको सही रिजल्ट नहीं देगा क्योंकि वो दो ही रोज दिखाएगा सुरेश और रमेश वाले अगर आप आई लॉक तो पर गलत है, आप क्वेश्चन देखते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो क्वेश्चन हंड्रेड सही हो किसी भी क्वेश्चन में कभी आपको ऐसी कंफ्यूजन होती है तो इधर उधर की सुनने की जगह बेस्ट चीज होती है कि आप उसे एग्जीक्यूट करके देख लें आप उसे रन कीजिए आपके सामने पांडास का आउटपुट आएगा एंड आपको वही भी पता चल जाएगा कि कौन सी स्टेटमेंट सही है तो इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है सही आंसर होना चाहिए था डी एफ वन डॉट आई लॉक जीरो कोलन थ्री तो जीरो आपका सही आंसर होता ओके अ टीचर वॉन्ट टू एड द कॉलम परसेंटेज हेल्प अब ये हमारे पास ऑप्शंस हैं तो हमें परसेंटेज नाम का कॉलम ऐड करना है ठीक है परसेंटेज नाम का कॉलम आपके पास ग्रेड है कितनी रोज है छोज तो इसको साफ, -साफ देखूं तो ये तीनों ऑप्शन ही का सिंटेक्स में प्रॉब्लम है यहाँ पर डॉट लगाया हुआ है डॉट नहीं आएगा इट्स डी एफ वन स्क्वायर ब्रैकेट में परसेंटेज इज इक्वल टू एंड टू गिव लिस्ट ऑफ वैल्यूज सो so, देखो एक आंसर बताना है तो ये तो हो नहीं सकता एम टी लिस्ट नहीं डाल सकते क्योंकि छह रोज है इट हैज टू मैच द नंबर ऑफ रोज नन आप फिर भी दे सकते हो वहां पे नॉट अ नंबर आ जाएगा बट द बेस्ट सोल्यूशन आउट ऑफ दिस इज दिस ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी शुड बी आंसर बट यहां पर ये डॉट नहीं होना चाहिए था ये होना चाहिए था डी एफ वन परसेंटेज इज इक्वल टू जीरो 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 राइट द कमांड टू ड्रॉप द कॉलम ग्रेड आपको ग्रेड नाम का कॉलम डिलीट करना है सो ड्रॉप मेथड जो है वो बाय डिफॉल्ट रोज डिलीट करने के लिए काम करता है मतलब बाय डिफॉल्ट एक्सेस जीरो अगर आप कॉलम डिलीट कर रहे हो तो आपको एक्सेस वन देना पड़ेगा तो इसमें सिंटेक्स के अकॉर्डिंगली जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है डेटा फ्रेम डॉट ड्रॉप कॉलम का नाम क्या है ग्रेड और एक्सेस में हम क्या लिख रहे हैं वन एक्सेस वन मतलब इस कॉलम वाली वैल्यू को आपको डिलीट करना है तो दिस विल हेल्प यू डिलीट इट ये आपको रिटर्न करेगा डिलीशन के बाद जो डेटा फ्रेम बचेगा अगर आप चाहते हो कि करंट डेटा फ्रेम में ही चेंजेस हो जाए तो उसके लिए इसके साथ क्या लिखते हैं वो आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताओगे सो डी एफ वन डॉट ड्रॉप इसको मुझे असाइन करना पड़ेगा किसी डेटा फ्रेम में बिकॉज इट इिटर्न दी अपडेटेड डेटा फ्रेम ये आपके ओरिजिनल डेटा फ्रेम में चेंजेस नहीं करता है हमें इसके साथ कॉमा देके कुछ स्पेसिफिक एट्रीब्यूट लिखना पड़ता है अगर हम चाहते हैं कि वो करंट डेटा फ्रेम में ही चेंजेस करे वो क्या होता है वो आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताएंगे उसके बाद पूछा है राइट अ कमांड टू डिलीट फर्स्ट एंड थर्ड रो आपको फर्स्ट एंड थर्ड रो डिलीट करनी है सो so हम सी वाली ऑप्शन यूज कर सकते हैं डेटा फ्रेम का नाम डॉट ड्रॉप फर्स्ट रो का इंडेक्स जीरो है थर्ड रो का इंडेक्स टू है एंड सिंस एक से ज्यादा रोज हैं, सो दे है लिस्ट so तो so ये वाली ऑप्शन में ये स्क्वायर ब्रैकेट मिसिंग है और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है bracket देना क्योंकि जब आप एक से row index या एक से से ज़्यादा ज़्यादा या या दे रहे होते हो तो सो डी एफ वन डॉट ड्रॉप स्क्वायर ब्रैकेट में ब्रैकेट क्लोज राइट सो ऑप्शन सी जो आपकी फर्स्ट एंड थर्ड रो को डिलीट करेगी देन वन टू Want to to know the the grade grade of Priya Priya Gupta? Gupta Help him to identify the correct command. data data frame fetch जो name है वो Priya Gupta है अब अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको होगी कि मैम ऑप्शन ए ऑप्शन बी सब एक जैसे ही तो दिख रहे हैं है ना सब एक जैसे ही दिख रहे हैं बस तो थोड़ा सा फर्क होता है ऐसे क्वेश्चन में अब आप यहाँ पर देखो तो ये जो नेम है ये कोर्ट्स में होना चाहिए था क्योंकि कॉलम का नाम कोर्ट्स में होता है यहाँ पे नहीं दिया हुआ कोर्ट मतलब ये नहीं हो सकता ठीक है अब एक बार को मैं ये सोच लेती कि शायद इन्होंने डॉट गलती से लगा दिया जैसे पहले ऊपर लगाया था बट यहाँ पर एक और ऑप्शन भी है जहाँ पे डॉट नहीं है सो इफ यू रीड फोर्थ ऑप्शन सो यहाँ पे है डी एफ वन अंदर बुलियन इंडेक्स में क्या दे रखा है डी एफ वन नेम इज इक्वल टू प्रिया गुप्ता सो दिस इज द प्रॉपर सिंटेक्स So, ये आपका सिंटेक्स बिल्कुल सही है मोर ओवर आपका सी वाला सिंटेक्स भी बिल्कुल सही है हम डेटा फ्रेम डॉट कॉलम का नाम भी लिख सकते हैं तो या गुप्ता कोच में है सो so, ये दोनों ऑप्शन सही हैं तो इसमें आंसर सी एंड आंसर डी दोनों आपको सेम रिजल्ट देंगे सो ऑप्शन सी ऑप्शन डी बोथ आर करेक्ट आंसर इन दिस क्लियर सो ये तो हो गई एक चीज अब आपको कहा है कि आपको मैक्सिमम और मिनिमम स्कोर देखना है किसी डेटा फ्रेम में से सो इट्स वेरी सिंपल लिखोगे डीएफ डॉट स्कोर डॉट मैक्स उसके आगे राउंड ब्रैकेट्स, सो डी एफ डॉट स्कोर डॉट मैक्स राउंड ब्रैकेट्स, या फिर आप मिन लिख सकते हो तो वो मिनिमम शो कर देगा तो हम हाईएस भी ले सकते हैं लोएस्ट भी ले सकते नाउ व्हाट वी हैव ये हमारे पास डेटा फ्रेम है सो आई रो

शुरू कर सकते हैं अपना नॉर्मल इम्पोर्ट पांडाज एज पी डी सो सबसे पहली लाइन तो आपकी ये ही होनी चाहिए विच इज इम्पोर्ट पांडाज एज पी डी और उसके बाद आप अपनी लिस्ट क्रिएट करोगे सो यू विल गिव वन स्क्वायर ब्रैकेट इन साइड दैट अनदर स्क्वायर ब्रैकेट और उसमें ये जो आपके रिकॉर्ड है ये आप लिख दोगे ठीक है ऐसे करके पूरी लिस्ट बना देंगे देन हम अपना डेटा फ्रेम क्रिएट करेंगे जब आप डेटा फ्रेम क्रिएट करोगे यू हैव टू मेक श्योर कि आपका डेटा और फ्रेम डी एंड एफ कैपिटल होना चाहिए एंड ब्रैकेट में आप अपनी लिस्ट का नाम दे सकते हो इस केस में यहाँ पर इंडेक्स वगैरह कोई दिए नहीं हुए कॉलम नेम यहाँ बोला है कि एम्प कोड एम्प नेम सैलरी होना चाहिए अब आप इस लाइन में भी लिख सकते थे लेकिन आप नेक्स्ट लाइन में जाकर भी सेट कर सकते हो सो यू कैन राइट डी एफ डॉट कॉलम इज इक्वल टू एम्प कोड एम्प नेम और सैलरी सो दिस इज़ आई कैन गिव दी दी हेडिंग्स टू द कॉलम्स। फिर है डिस्प्ले टोटल सैलरी अब आपको सैलरी का सम निकालना है तो उसके लिए आप क्या करोगे आप कर सकते हो प्रिंट डीएफ मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ सैलरी या मैं डीएफ डॉट सैलरी भी लिख सकती थी सम नाम का फंक्शन है हमारे पास तो हम उसको कॉल कर देंगे सो so, लिखने से आपके पास सैलरी का टोटल आ जाएगा सिमिलर वे आपको हाईएस्ट सैलरी निकालनी है तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं सेम hmm. इस तरीके से भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो एक ही बात है दोनों सही, सही काम करेगा और मैक्स इज अ प्री डिफाइंड फंक्शन तो आप मैक्स को कॉल कर सकते सिमिलर वे हम मिन को कॉल कर सकते हैं तो ये सम मैक्स मिन काउंट ये फंक्शंस हैं जो आपको ऐसी कैलकुलेशंस करने में Help karte, जिनको आप यूज कर सकते हो क्लियर वन मोर क्वेश्चन का नाम है प्राइस है, uh, है ना काफी कुछ सिमिलर है तो आपका यहाँ पर मोबाइल कवर डोंगल पेन ड्राइव शो हो रहा है सो मोबाइल कवर डोंगल और पेनड्राइव आपके लास्ट तीन रिकॉर्ड है सो लास्ट तीन दिखाने के लिए हम कर सकते हैं आई लॉक ठीक है एक तो आई लॉक यूज होगा थ्री कोलन फाइव की जगह थ्री कोलन सिक्स होना चाहिए सो इज और बट इट शुड बी थ्री कोलन सिक्स जो आपको वैल्यूज देगा सिमिलर अब यह नया कॉलम ऐड कर रहे हो तो इसमें भी सी ऑप्शन आपकी सही होगी ये डॉट यहां पर नहीं होना चाहिए राइट द कमांड टू ड्रॉप द थर्ड रो की बोर्ड कीबोर्ड वाली रो डिलीट करने के लिए इंडेक्स हमें टू देना पड़ेगा सो एफ वन ड्रॉप टू आप यहाँ पर दोगे ताकि आपका वो रिकॉर्ड डिलीट हो जाए द कॉलम प्राइस पी नेम तो आप जब शो कर रहे हो मतलब जैसे ये कर रहे हो तो आप ऐसे लिख सकते हो दिस इज दी दिस इज क्योंकि ये स्क्वायर ब्रैकेट आपने लिखा है कॉलम्स को फिच करने के लिए और फिर जब एक से ज्यादा कॉलम्स फेच करने होते हैं तो फिर से उसे लिस्ट देना पड़ता है इसलिए दो बार स्क्वायर ब्रैकेट आएंगे तो, है so अगर मैं इसको कराती, तो वो मुझे प्राइस और नेम दिखा देता पर मैंने उसको वापस सेम डेटा फ्रेम में ही असाइन कर दिया मतलब आपके डेटा फ्रेम में ही उसका ऑर्डर जो है अब ये हो जाएगा कि पहले प्राइस होगा फिर नेम होगा ठीक है डोंगल का प्राइस देखना है तो अगेन इसमें भी आपकी ऑप्शन सी और ऑप्शन डी जो है वो सही है ए में यहाँ कोर्ट्स मिसिंग है बी में यहाँ पे डॉट है जो नहीं होना चाहिए था ठीक है ना दिस इज द क्वेश्चन विच इज सिमिलर टू द सेकेंड वन वी डेड अब हमारे पास एक ये क्वेश्चन है सो so, आपके पास ये डेटा फ्रेम है ठीक जिस है जिसमें इंडेक्स प्रोडक्ट पी आर वन पी आर टू पी आर थ्री है राइट डाउन द कमांड दैट विल गिव द फॉलोइंग आउटपुट

तो जब हम नॉर्मली डेटा फ्रेम का नाम डॉट मैक्स लिखते हैं तो वो हर कॉलम में से हाइएस वैल्यू आपको दिखा देगा ठीक है अगर मैं लिखती हूँ तो हर कॉलम में से मिनिमम वैल्यू आ जाएगी क्योंकि तो बाय डिफॉल्ट जीरो ही होता है अगर एक्सेस वन होता तो हर रो में से वो दिखाता ठीक है तो इसका आंसर होगा हर कॉलम की मिनिमम वैल्यू आई थिंक ऑप्शन ए विल बी दी करेक्ट आंसर फॉर दैट जो भी मिनिमम आपके पास होगा

विच स्टेटमेंट इज यूज टू फाइंड ऑफ इंडेक्स एनी डेटा आपको किसी भी डेटा uh, फ्रेम का देखना है कि इंडेक्स क्या है तो आप उसको द कॉलम लेबल्स ऑफ द डेटा फ्रेम हिंड दे देती हूँ इन दोनों में से ही आपके पास आंसर है इन दोनों में से नहीं है वैसे दूसरी ऑप्शन यहाँ पर नहीं है पर इसमें आप मान लो कि एक ऑप्शन और होती सी तो डी एफ डॉट कॉलम्स जिसके पीछे राउंड ब्रैकेट नहीं होते तो मैंने बोल दिया इन दोनों में से तो आंसर है नहीं, तो so, नहीं आएंगे तो सो so, आपको याद रखना है कि कौन से एट्रीब्यूट होते हैं कौन से मेथड्स होते हैं मेथड्स के पीछे हमेशा राउंड ब्रैकेट आती है एट्रीब्यूट के पीछे नहीं आती है सो डी एफ डॉट कॉलम्स विदाउट राउंड ब्रैकेट विल बी आंसर फॉर दिस क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन का आंसर आप लोग ढूंढेंगे आपका होमवर्क है एंड आप इसको कमेंट में लिखेंगे तो लाइक like पे जरूर क्लिक कीजिएगा एंड शेयर कीजिए अपने सारे क्लासमेट्स के साथ खुद भी चैनल सब्सक्राइब कीजिए गुड केयर